रामपुर सर्किट हाउस में विक्रमादित्य सिंह ने ली अधिकारियों की बैठक। उप मुख्यमंत्री ने निर्माणधीन विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का किया निरीक्षण, समयबद्ध तरीके से पूर्ण करे सभी विकासात्मक कार्य उप मुख्यमंत्री। प्रदेश के सभी मंदिरों का मास्टर प्लान के तहत किया जाएगा कार्य, डिप्टी सीएम। करसोग में 7 दिवसीय जिला स्तरीय नलवार मेला सम्पन्न। अब खबरें विस्तार पूर्वक। सर, वी हैव हमारे पास करंट एक्टिव केसेस हैं 1933 सो फार। डेली टेस्टिंग संख्या जो हम कह सकते हैं दैट इज अबाउट अराउंड 5000। पॉजिटिविटी रेट ऑफ लास्ट वीक आई से 6.6% सर। और अभी तक की जो कोविड से डेथ हुई है पिछले लास्ट वीक में एक हुई है सर, 1। हॉस्पिटल एडमिशन 19 है जो एडमिशन का 0.9% कहा जा सकता है सर। एज पर योर ब्लेसिंग्स एंड डायरेक्शन बाय योर डिपार्टमेंट द मॉक ड्रिल हम लोगों ने जो प्लान की है सर वो 10th और 11th of April को की है। इसके लिए इतनी तैयारियां एज पर योर डायरेक्शन ऑफ योर मिनिस्ट्री हैज बीन डन और हम इसे बड़े सुचारू ढंग से हर डिस्ट्रिक्ट तक कर रहे हैं सर। एडवाइजरी रिगार्डिंग वेयरिंग ऑफ मास्क इन द हॉस्पिटल प्रेमिसेस बाय पेशेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड हेल्थ केयर वर्कर हैज बीन इश्यूड बाय द स्टेट एज वेल एज वेयरिंग ऑफ मास्क इज बीइंग एडवाइज्ड पर्टिकुलरली टू द सीनियर सिटीजन एंड पीपल विद कोमोर्बिडिटीज विद क्राउडेड प्लेसेस एंड एरिया। सर, स्टेट हैज सफिशिएंट बेड कैपेसिटी एंड ऑक्सीजन सप्लाई भी हमारे पास ठीक ठाक है थ्रू द PSA प्लांट्स एज वेल एज सफिशिएंट स्टॉक ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड मेडिसिन इज देयर। माय ओनली रिक्वेस्ट इज सर दैट इफ यू कुड सप्लाई दीज मेडिसिन यू नो वी हैव बीन एक्चुअली रिक्वेस्टिंग टू प्रोवाइड द सॉरी द कोविड वैक्सीन नॉट मेडिसिन कोविड वैक्सीन सो if it could be provided sir so as a precautionary dose to the public we could plan it sir. That is the only update from state of Himachal sir. Thank you so much sir. Thank you. Thank you.
फाइनल तो है गड्डी है। कुछ तो सर इनिशियली तो ये हो गए करोड़ रुपया लग रहा है, इसका टेंडर करो। और इसका पहले इनिशियली हमें फर्स्ट फेज में हमें बोर का करना पड़ता है। बिहार की पीएचसी बन रही है सर, जब आपको पता था बड़ी बिल्डिंग बन रही है तो उसको थोड़ा आगे पीछे करके शुरू कर ये पतले कितनी है होता है तो थोड़ी जम रहा है वो ये सड़क के दूसरे पास वो मलकीत है वो मलकीत का नाम है बड़ी हां की बड़ी डोंग है जड़ी मलकीत वो नो डोंग का किसी ने जाना मैं क्यों भरना है बंदे ने बढ़िया रही है जन नहीं हमने किए थे पीछे से 300 मीटर 350 मीटर वहाँ पे डिस्चार्ज मारा था 15 हमारे को यही सारी की सीट तक समझ जो हुई थी बस वो ये तैयारी हो जाएगा वो तो जब इन्होंने हाल बनाना जुड़ना तैयारी करके देना सब कुछ लगा के सब कुछ रंग रोशन सब कुछ की बात करें चाहे स्कूलों अस्पतालों में जो डॉक्टर है उसकी मांग करें वो सब काम हमने करने हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि स्टेज पर आकर एक अनाउंसमेंट करके चली जाऊं। मैं सबकी बात सुन रही हूं, नोट कर रही हूं और हम सरकार की जो हमारी नई सरकार बनी है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार उस सरकार के समक्ष भी हम इन मांगों को रखेंगे। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी वो आज हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगी और कहूंगी हमारे कर्षों की क्षंतर की जनता की ये मांग है, हम चाहते हैं हमारे स्कूलों में जो टीचरों का अभाव है उसकी पूर्ति करें, जो डॉक्टरों का अभाव है उसकी आप पूर्ति करें और उसी तरह से चाहे कोई स्कूल भवन की निर्माण की बात है चाहे अन्य आपकी मांगे हैं उसको भी हम धीरे धीरे पूरा करेंगे। ये मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ, हम उन लोगों में से वायदा हम नहीं करते, जो करें कहेंगे उसको पूरा करके जनता को देंगे। जनता जानती है तभी लोगों ने मुझे दोबारा तीसरी बार चुनकर पार्लियामेंट तक पहुंचाया है, क्योंकि उनको पता है कि जो आप मांग करेंगे वो जितना हम सक्षम होंगे उसको अवश्य करेंगे। आप सबसे रूबरू होने का मौका मिला, वैसे तो मैं कई बार यहाँ पर पिछले मर्तबा जब हमारे चुनाव हो रहे थे तब भी मैंने काफी विस्तृत दौरा करसोग का किया। इस मौके पर मैं आप सबको धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि पिछले जो हमारे चुनाव हुए जिसमें आपने मुझे यहाँ से विजय हासिल करवाई और पार्लियामेंट में पहुंचने का मुझे सुअवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं करसोग जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उसके साथ साथ हमारे जो विधानसभा के चुनाव हुए उस दौरान भी हमने काफी इन दुर्गम क्षेत्रों में दौरा किया और उसमें भी मैंने आपसे बार बार ये पुकार की कि आप हमारा साथ दें, आप हमारे को अपना आशीर्वाद दें, हम दोबारा से कांग्रेस की सत्ता को लाने में सक्षम रहे। उसमें भी आपने
पुरजोर हमारा समर्थन किया, हमारे को झोली भर के यहाँ से वोटें दी, जिसकी वजह से आज हमारे पास कांग्रेस की सरकार है। इसके लिए भी आप लोग बधाई के पात्र हैं, आपका भी मैं धन्यवाद भी करती हूँ और आपको बधाई भी देती हूँ। उन देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि वो सदा हमारे ऊपर इसी तरीके का आशीर्वाद बनाए रखें और हमको प्रगति की राह पर चलने में अपना आशीर्वाद सदा देते रहें। मैं आप सबको पुनः इस मेले की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे एमएलए साहब देवराज जी, महेश राज जी जो हमारे कांग्रेस के पूर्व में प्रत्याशी रहे, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष श्री प्रीति सिंह नेगी जी, हमारे रूपेश कमल जी जो यहाँ के प्रभारी हैं, और यहाँ के एसडीएम साहब, बीडीओ साहब, तहसीलदार साहब और नारायण सिंह ठाकुर जी जो इस मेले के संयोजक हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस मेले के समापन समारोह में निमंत्रण दिया या आने का मौका दिया। अंत में मैं जिला स्तरीय नलवाड़ मेला करसोग 2023 के समापन की विधिवत रूप से घोषणा करती हूँ। तो आज ये मेला समापन हुआ, आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल। आदर्श हिमाचल खबरें विकास की मुद्दे जनता के टीवी पोर्टल, न्यूज़पेपर, ई पेपर के लिए हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में रिपोर्टर, मार्केटिंग सर्कुलेशन के लिए लड़के लड़कियों की आवश्यकता, एक्सपीरियंस्ड और फ्रेशर दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर 9857537874 पर कॉल करें।